हाँ, मैंने ले लिया कैरेंडुला जेल और मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद कुछ और करूँ ना करूँ, मैं बिंदी जरूर लगाती हूँ और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। तभी मैंने देखी आप कंघी ही नहीं की है, कैरेंडुला जेल मैं ले रही हूँ। इसमें मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगी कि इसमें या तो ट्यूब सिस्टम होना चाहिए या तो पंप सिस्टम होना चाहिए, इससे हाइजीनिक होता। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना रेगुलर मॉइस्चराइज़र वैसलीन वाला जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, इसे मैं मिक्स कर लूँगी। आपको लग रहा होगा क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हाँ मैंने बाद में इसे अपने दोनों हाथों पर भी लगा लिया था और फेस पर लगा के इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी मैं। और ये कैनेडुला जेल मैंने पर्पल से मंगाया था, ये वही वाला है। तो बस ये मैंने लगा लिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज दिन है संडे का, तारीख है 15 मार्च। मेरा नहाना धोना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। ब्रेकफास्ट आज अंश ने बनाया था, नूडल्स बनाया था ब्रेकफास्ट में। और उसके जैसे कि पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अलाउड है किचन में आना उसको। और मैंने दाल बना दिया है, दूध बॉईल कर दिया है। और अगर अभी अंश के पापा दोबारा से चाय पियेंगे तो उनसे पूछूंगी, और चाय या कॉफ़ी अगर उन्होंने कुछ पीना है तो चाय बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं सब्ज़ी काटूंगी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल दाल चावल सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ। तो अभी मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि वो चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे। और अंश गया हुआ है नहाने, और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपसे एक प्रोटीन डाइट शेयर करूंगी जो मैंने अंश और अंश के पापा के लिए स्टार्ट किया है, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है वो प्रोटीन डाइट जो मैंने अंश और अंश के पापा के लिए स्टार्ट किया है। आज 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से, हाँ 3 दिन हो गए, तो मैं इसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं बता सकती। हाँ, एक चीज़ है जो बच्चों को बार बार बाहर का खाने की क्रेविंग होती है, वो देख रही हूँ मैं अंश में नहीं है, कि बार बार बाहर का खाने की या नमकीन बिस्किट ऐसा कुछ खाने की क्रेविंग होती है, तो वो अंश में अभी नहीं है। और वैसे वो बाहर का ज़्यादा खाता भी नहीं है, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। और बाकी का तो मैं अभी इसका कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसमें है किशमिश, मूंगफली और चना। रात में भिगो देती हूँ, सुबह उठ के अंश के पापा और अंश इसका पानी पीते हैं। अंश ने एक दिन इसका पानी पिया था, उसके बाद वो पानी नहीं पीता है। तो ब्रश करने के बाद अंश पहले एक्सरसाइज करने, वॉक करने बाहर जाता है, फिर आता है तो ये खाता है। ये खाने के बाद उसे मैं दूध देती हूँ। तो ये है वो प्रोटीन डाइट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ज़रूर कीजिएगा। और जो चना और किशमिश होता है, इसमें आयरन बहुत होता है, प्रोटीन होता है, दाल है तो उसमें प्रोटीन भी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, आपकी फैमिली को फ़ायदा मिले। और ये ऐसी चीज़ है कि सबके घर में हो, अवेलेबल होती है, कहीं बाहर खरीदने जाने के लिए नहीं है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, नेचुरल चीज़ है। अगर अच्छा असर नहीं होगा तो बुरा असर तो नहीं होगा, लेकिन पक्का अच्छा असर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आज मैंने ट्राइपॉड किचन की दूसरी तरफ रखा हुआ है। रोज़ मैं यहाँ पे माइक्रोवेव पे रख के तब फिर रिकॉर्ड करती थी, और आज माइक्रोवेव के फ्रंट पे रखा हुआ है। तो मैं ये देखना चाहती थी वहाँ से ज़्यादा व्यू सही आता है यहाँ से, तो आप बताइएगा, फिर मैं उसी तरीके से रख के रिकॉर्ड किया करूँगी। और अंश के पापा ने चाय के लिए हाँ कह दिया है, तो मैं चाय बना रही हूँ दोबारा से। चाय बनाने के साथ साथ मैं सब्जी भी छौंक दे रही हूँ। और कल जो मैंने दाल के लिए पीसा हुआ था प्याज, उसमें से प्याज बचा हुआ है तो वही प्याज मैं यूज़ कर लूँगी। और अदरक लहसुन का, लहसुन मिर्ची का पेस्ट मेरे पास है ही, वो डाल दूँगी मैं। देखिए, अगर हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारा काम कितनी जल्दी हो जाता है। तेल में मैंने डाल दिया जीरा, और मैंने डाल दिया हींग, और वहां सामने जो दिख रहा है वो अंश बैठा है, टीवी देख रहा है। चाय में दूध डाल देती हूँ, ये दूध थोड़ा सा रात का बचा हुआ है, और थोड़ा सा सुबह वाला दूध डालूंगी जो सुबह आया था। और जब तक ये हींग जीरा होता है मैं तब तक आलू छील लेती हूँ। आलू लिया है, 3 आलू इनफ रहेंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो सुबह
बंद गोभी काटी थी वो थोड़ी सी बची हुई है और दाल भी है तो इतना ज़्यादा सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे यहाँ मोस्टली अरहर की दाल बनाई जाती है और मेरे यहाँ जो अरहर की दाल बनती है वो हम अपने गांव से लेके आए थे, बहुत ही टेस्टी है वो दाल, दो सीटी में आराम से गल जाती है, घर की दाल है तो घर की चीज़ों के जो बात होती है वो अलग ही होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैं जब किचन में काम करती हूँ तो किचन फैलता ही है, बहुत सारे लोग होते हैं काम करते रहते हैं किचन समेटते रहते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं काम करने के बाद एक साथ ही किचन समेटती हूँ। मेरे काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं एक साथ ही किचन समेटती हूँ। और ये है वो कल वाला प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट नहीं बचा हुआ, टमाटर मैंने पूरा यूज कर लिया था। कुछ काम निपटा के घर का मैं आ गई थी मार्केट में, पहले मेरे साथ अंश भी था, फिर वो घर चला गया था, फिर मैं पार्लर जा रही थी, पार्लर अंश को लेकर तो जाऊंगी नहीं, तो मुझे थ्रेडिंग करवानी थी तो मैं अकेले ही जा रही हूँ उस टाइम पे। हेलो एवरीवन, और आज दिन है सोमवार का, ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी संडे को। और एक आपसे बहुत ज़रूरी बात बतानी है मुझे कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, हाँ तो उनका नाम है इंडियन ब्लॉगर रिंगल जैन, तो उन्होंने कल नोटिफिकेशन दिया था कि उनकी नोटिफिकेशन आई थी, मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ जब मौका मिलता है तब, क्योंकि जब से मैंने YT पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी वीडियो मैं पहले देखती थी उनकी वीडियो मैं अभी भी देखती हूँ। तो उनका इंस्टाग्राम पे किसी ने फेक ID बनाई हुई है और मेरे पास भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कहा कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं जो इतने बिजी रहते हैं तो हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर को रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो बाद में क्योंकि मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई थी कि उनकी फेक ID लगा करके फेक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया गया है उनका, तो इतने बड़े बड़े लोगों के संग भी ये सब होता है। इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ी हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उनके वर्क के लिए, उनके काम के लिए और उनकी मेहनत के लिए। ऐसे लोगों के काम से उनकी लाइफस्टाइल उनकी बहुत सिंपल है लेकिन मेहनती हैं, तो उन लोगों की मेहनत से हम लोगों को छोटे यूट्यूबर्स को मतलब एक साहस मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, एक सीख मिलती है कि जब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। तो बस मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में अंश के लिए हमने कुछ एक नई चीज़ भी शुरू की है उसके लिए भी बताऊंगी मैं, क्योंकि ये ब्लॉग अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दिया है लेकिन अब रात को एंड करूँगी तब उसमें बताऊँगी आपको। तो चलिए इस ब्लॉग का कहते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत सारा धन्यवाद। इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यार आप वीडियो देख लेते हो लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, लाइक करने में क्या जाता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।